वेलसो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रगलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, आज है 30 नवंबर, 30 नवंबर यानी कि आखिरी दिन इस महीने का। तो ये महीना कंप्लीट निकल चुका है। कैसा रहा आप लोगों का ये पूरा महीना, तो आप लोगों के पास में एक अच्छा टाइम है इसको एनालाइज करने का। बैठकर देखिए क्या क्या कमियां, क्या क्या खामियां रही और क्या क्या अचीवमेंट रहे, तो उनको कंपेयर कीजिए और कहां पर सुधारा जा सकता है चीजों को, उसको लेकर आगे चलिए। क्योंकि इससे जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है कल से, वो आप लोगों का आखिरी महीना होगा इस साल का 2020 का। तो इसके बाद में कैसा चाहते हैं आप लोग 2021, तो ये पूरा महीना आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देगा कि 2021 को आप लोगों को किस तरीके से लेकर चलना है, उसका बेस बनाने का टाइम रहेगा पूरा दिसंबर, तो ताकि 2021 में आप लोग अच्छी एंट्री कर सकें, तो 2020 को अच्छे से जी सकें, जो बचा हुआ टाइम है उसमें जो भी कमियां खामियां उसको कंप्लीट कर सकें। तो दिसंबर का महीना आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देने वाला है। और अब मौसम भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, तो आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है सर्दियां बढ़ रही हैं, तो अब बैठकर पढ़ने का टाइम अच्छा आ गया। जिनको ये शिकायत रहती थी कि गर्मियों में पढ़ा नहीं जाता है ढंग से, कि हाँ जिनके एसी है वो तो पढ़ लेते हैं, हमारे घर में थोड़ी ना एसी है, तो वो सारी दिक्कत भी अब दूर होती जा रही है। तो इसलिए बैठकर अच्छे से पढ़ने का टाइम आ गया और एग्जाम भी सारे पास में आ रहे हैं। तो जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर जी जान लगा दीजिए अब, ठीक है। तो कैसा रहा ये महीना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने वाले हैं नेक्स्ट महीने में वो भी बताइएगा। काफी इंपोर्टेंट बात यहां पर बोली गई है। बोला गया कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कांटे जो है ना वो पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। कांटों पर ज्यादा लंबे समय तक आप लोग खड़े नहीं रह सकते। इसको अगर आप लोगों को फील करना है, तो आप लोग ये सोचिए किसी सड़क पर जा रहे हैं नंगे पैर, या फिर किसी आप लोग घर में भी जिसके घर में थोड़े पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, अगर आप लोग उस पर पैर रखेंगे जब खासकर धूप चिलचिलाती है, तो आप लोग वहां पर खड़े नहीं हो पाएंगे। गर्म सड़क या फिर गर्म मिट्टी, गर्म रेत के ऊपर आप लोगों ने पैर रखा होगा, तो वो रफ्तार बढ़ा देता है। तो इसलिए दिक्कत जब होती है ना लाइफ में, इंसान की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, रफ्तार बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग ढंग से पेपर अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, आप लोगों की ज्यादा एक्यूरेसी रहती है एज कंपेयर टू जब आप लोग अपने रूम पर बैठकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ में अगर आप लोगों के लाइफ में कोई कांटे आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि मंजिल पर आप लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं, आप लोगों की रफ्तार बढ़ने वाली है, तो उसको पॉजिटिवली लेकर आप लोगों को चलना है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये है कॉस्मोनॉट सी, तो जाकर इसको मैप में निहारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के डिस्कशन में, कुछ सारी इतनी सारी डिटेल में चीजें आप लोगों के सामने आने वाली हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और पेन भी अब हाथ में आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए चीजें और अच्छे से प्रेजेंट होगी। जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अभी थोड़ी सी हाथ में चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से मैं पेन यूज नहीं करवा रहा था पिछले 15 से 20 दिनों से, पर लेकिन अब यहां पर पेन जो है वो यूज कर पा रहा हूं, ठीक है। तो आज जो है ट्राई करेंगे कुछ लिखने की, जितना भी कुछ लिखा जाएगा। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कर आर्टिकल देखेंगे। सबसे पहला जो यहां पर आर्टिकल है, यहां पर ये बात कर रहा है दवाई के बारे में। तो जो दवाई बनाने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में इंडिया कहां पर खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में यहां पर हम लोग नजर डालेंगे। और कौन कौन सी यहां पर जो कंट्री है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है दवाई बनाने में, तो कुछ इसका भी हम लोग ओवरव्यू लेंगे। ये जो आर्टिकल है यहां पर, ये बेसिकली अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिका में आप लोगों को पता है जो बाइडेन आज की डेट में अमेरिका के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो यहां पर ये जनवरी के महीने में शपथ लेंगे। तो आने वाले टाइम पर कैसे ये पॉलिसी को लेकर चल पाएंगे, किस तरीके से जो सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्रिएट की गई उसको कैसे सुधार पाएंगे, बहुत सारी दिक्कत अभी यहां पर देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में। इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट और यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है, दोनों को कंबाइन कर एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा, क्योंकि यहां पर ईरान के अभी एक ग्रेट साइंटिस्ट थे ईरान के, उनकी एसेसिनेशन कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई है, तो इसके बारे में भी यहां पर नजर डालेंगे। इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और यहां पर आने वाले टाइम पे जो बाइडेन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, इस तरीके से हमारी कंट्री में क्या कंडीशन बनी हुई है, तो क्या फार्म बिल थे, उनसे एक्ट कौन कौन से बने, एमएसपी प्राइस को लेकर कुछ मुद्दे हैं, काफी कुछ आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाला है। बहुत प्यारा आर्टिकल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग यहां पर कुछ चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, और क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों यहां से निकल के जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा। ये वाला आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इस आर्टिकल में आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में और कई सारी बातें जानेंगे, आरबीआई क्या बोल रहे हैं, अभी हमारी कंट्री में क्या कंडीशन बनी है, तो क्यों यहां पर टेक्निकल रिसेशन शब्द यूज किया जा रहा है।
ये वाला जो आर्टिकल है ये पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। क्या है पेरिस एग्रीमेंट, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग समझेंगे। तो आर्टिकल को एक ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आज है मंडे, मंडे को यहां पर आता है जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं उनका रिप्लाई करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये डेटा पॉइंट भी यहां पर बेसिकली जो बात कर रहा है आज के में हमारी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन को, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस डेटा पॉइंट पर नजर डालेंगे। और ये है आज का कार्टून, तो कार्टून आप लोग देखिए यहां पर, पहले कार्टून क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर महात्मा गांधी जी की जो स्टेचू है उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको जो री इंस्टॉल किया जा रहा है, एक तरीके से बोला जा रहा है कि मुझे पार्लियामेंट की तरफ को मेरा फेस मत करना, क्योंकि पार्लियामेंट में जो चीजें हो रही हैं उससे यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं है गांधी जी, ऐसी बातें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप लोग यहां पर 40 से 50 शब्द में आप लोग इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 40 से 50 शब्द में इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। और ये एक तरीके से पिक्चर परसेप्शन टेस्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि पिक्चर को देखने के बाद में आप लोगों का क्या परसेप्शन बनता है, तो वो आप लोगों यहां पर लिखना है। जो नहीं लिख पाते हैं वो देखिएगा दूसरे बच्चे कैसे लिख रहे हैं, उनका आंसर देखकर आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी आंसर लिखना चाहते हैं, दो जगह आप लोग जाकर अपने आंसर लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। एक तो आप लोग जा सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, उसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और फेसबुक ग्रुप के ऊपर, या फिर दोनों जगह भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे का आंसर रिव्यू कीजिएगा, वो सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, ये आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। काफी डिटेल में इस आर्टिकल को मैं डिस्कस करने वाला हूं। बात की जा रही है यहां पर टेक्निकल रिसेशन के बारे में। रिसेशन को नॉर्मली तरीके से बोलते हैं मंदी। आप लोगों ने सुना होगा 2008 में रिसेशन आ गया था, तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, खासकर जान चली गई थी, जान नहीं चली गई थी, जॉब चली गई थी, और जॉब की वजह से कई सारे लोगों ने सुसाइड भी किया था। तो यहां पर रिसेशन जो देखने को मिलता है, एक तरीके से जो मंदी होती है उसकी वजह से घर में कई सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये टेक्निकल रिसेशन क्या है, तो मंदी तो आप लोगों ने सुनी है, पर लेकिन टेक्निकल रिसेशन क्या है ये टर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। सबसे पहले बात करूं अगर हिस्टोरिक रिसेशन के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। तो इसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू पहले यहां पर समझते हैं। देखिए रिसेंटली अभी हमारी कंट्री की जो कंडीशन है ना कोविड-19 की वजह से, वो काफी ज्यादा नेगेटिव देखने को मिली। पहले हमारी कंट्री का जो ग्रोथ था वो नेगेटिव में लगभग 23.9% के करीब हो गया था, अब यहां पर 7.5% के करीब यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो जब यहां पर दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में आप लोगों का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव देखने को मिलता है, तो इसको टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके द्वारा बताया गया है। तो हमारी कंट्री में नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है उसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हमारी कंट्री में जो बनाया गया था, ये दो ऑफिस को जोड़कर बनाया गया था। एक तो था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको NSSO बोलते हैं आप लोग, दूसरा बोला गया था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप ऑफिस या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको CSO बोलते हैं। तो इन दोनों को मर्ज कर एक ऑफिस बनाया गया, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO बोला गया। तो ये जो NSO है हमारी कंट्री में, ये अभी मर्ज कर हमारी कंट्री में बनाया गया इन दो ऑफिस को, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। एक और क्वेश्चन आप लोग यहां पर बताइए, जो वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दूंगा या फिर बीच में, यहां पर ये बताना है कि ये NSSO और या फिर CSO, ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है, यानी कि यहां कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आते थे जिनको मर्ज कर यहां पर ये ऑफिस बनाया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये क्वेश्चन है। अगर बात करूं आप लोगों से यहां पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप लोग GDP बोलते हैं, तो GDP का मतलब होता है कि एक कंट्री, जैसे अपनी कंट्री का अगर आप लोग मैप देखेंगे तो हमारी कंट्री की जो फिजिकल बाउंड्री है, यानी कि हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर हम लोग कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं एक प्रीडिफाइंड टाइम के अंदर, यानी कि प्रीडिफाइंड टाइम, जैसे कि पहले से हम लोग बोलते हैं कि एक साल हम लोग लेंगे, तो एक साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विस हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको उस कंट्री की GDP बोलते हैं। तो हमारी कंट्री की जो GDP है वो रिसेंटली अभी नेगेटिव ग्रोथ में चल रही थी। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था, जब फर्स्ट क्वार्टर हम लोगों ने देखा, क्वार्टर जब इकोनॉमी का हम लोग काउंट करते हैं तो ये वो नहीं है, पौवा पीने वाला क्वार्टर नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये जो क्वार्टर है ये याद रखिएगा आप लोग, हमारी कंट्री में जब हम लोग क्वार्टर काउंट करते हैं तो पहला क्वार्टर होता है यहां पर, ये होता है अप्रैल मई जून, ठीक है, पहला क्वार्टर हो गया। फिर हो गया यहां पर जुलाई अगस्त सितंबर, दूसरा क्वार्टर हो गया, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। फिर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीसरा क्वार्टर हो गया। चौथा हो गया जनवरी फरवरी और मार्च। तो टोटल मिलाकर एक साल को चार क्वार्टर यानी कि तीन तीन महीनों के स्लॉट में डिवाइड किया गया, और तीन तीन महीने में हम लोग ये देखते हैं कि हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो वो जो अर्थव्यवस्था है उसके बेस पर फिर हम लोग अपना एक ग्रोथ निकालते हैं। तो जो पहला क्वार्टर था हमारी कंट्री का, पहला क्वार्टर था जब हमारी कंट्री का, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अप्रैल मई, जो यहां पर अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर था,
इस वाले क्वार्टर में हमारी कंट्री की जो ग्रोथ थी वो -23.9% आप लोगों को देखने को मिली, यानी कि 24% नेगेटिव में हमारी कंट्री की इकोनॉमी चल रही थी। पर लेकिन अब जब सेकंड क्वार्टर यहां पर आया, सेकंड क्वार्टर यहां पर है जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें -7.5 हमारी कंट्री की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि नेगेटिव में जा रही है। और ये बात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बोला है। तो अगर किसी कंट्री का जो ग्रोथ है इस तरीके से वो लगातार दो सक्सेसिव क्वार्टर के लिए नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब यह है कि कंट्री जो है वो टेक्निकल रिसेशन में चल रही है। तो ये जो शब्द टेक्निकल रिसेशन यहां पर यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है दो लगातार क्वार्टर तक, क्वार्टर का मतलब हो गया 6 महीने तक लगातार, 6 महीने तक लगातार अगर कंट्री का नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है तो इसका मतलब वो टेक्निकल रिसेशन में होगी। तो ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है जो कि आप लोग याद रखेगा। तो अभी हमारी कंट्री जो है वो टेक्निकल रिसेशन में चल रही है और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ के द्वारा बताया गया है। अभी अगर बात करें यहां पर जिस तरीके से बोला गया कि जी यहां पर सेकंड सक्सेसिव जो क्वार्टर हमारा देखने को मिल रहे हैं, ये पहली बार ऐसी कंडीशन निकल कर आई है आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद में, जो इस तरीके से हम लोग टेक्निकल रिसेशन में पहुंचे हैं। और ये एक सीरियस कंसर्न है यहां पर, इस तरीके से जब कोई कंट्री यहां पर रिसेशन में पहुंचती है तो वो सीरियस कंसर्न है, क्योंकि अगर रिसेशन में पहुंच रही है तो इसका मतलब मंदी काफी ज्यादा है। इसका मतलब यह कि डिमांड नहीं है मार्केट में। जब डिमांड नहीं है, कोई आप लोग मान लीजिए मार्केट में जाकर मोबाइल नहीं खरीद रहे, टीवी नहीं खरीद रहे, स्कूटर नहीं खरीद रहे, मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहे, कोई भी घर का सामान जो है नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट है, खाने पीने का सामान जो आप लोग का नेसेसरी है, दाल चावल आटा ये सब खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो एक्स्ट्रा गुड होते हैं जो इकोनॉमी को पुश देते हैं वो आप लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब सारी जो इंडस्ट्री है अब वो सारी आज के में ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है ताकि वो सारे सामान खरीद सकें। तो इसलिए यहां पर ये कंटिन्यूअस इस तरीके से अगर कंडीशन बनती रहेगी तो जॉब जो है यानी कि जॉब ग्रोथ यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी आप लोगों को नेगेटिव में होता हुआ नजर आएगा। अभी रिसेंटली कोविड-19 के चलते हजारों लोगों की जॉब गई अभी रिसेंटली, तो वो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि पहले से ही हमारी कंट्री 2 साल से कंडीशन फेस कर रही थी बुरे वाली। 18-19 में हमारी कंट्री में 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा था। कोविड-19 ने आके कंगाली में आटा गीला कर दिया और बुरी कंडीशन यहां पर बना दी। तो कोविड-19 से बात करें अगर हम लोग, वेरियस जो इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में वो सारी आज के में बर्बाद होती हुई नजर आ रही है काफी लार्ज स्केल पर। अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा उसके चलते, अगर देखें प्राइवेट कंजप्शन जो है वो बिल्कुल यहां पर खत्म हो चुका है। प्राइवेट कंजप्शन और जो एक्सपेंडिचर होता है यानी कि अगर आप लोगों को सैलरी मिलती है और सैलरी जो आप लोग एक तरीके से होते ही सैलरी मिलती है, आप लोग पहुंच जाते हैं मार्केट में ये सामान खरीदना है और वो करना है ये करना है, वो सैलरी बहुत सारे लोगों की आधी हो गई है आज की डेट में। सिंगल बिगेस्ट अगर बात करें जो कि अगर किसी कंट्री की ग्रोथ है उसको बढ़ाने में जो काम करता है वो प्राइवेट कंजप्शन और एक्सपेंडिचर है, यानी कि आप लोग जो प्राइवेट जो कंज्यूम करते हैं यानी कि जो खरीद कर मार्केट से कराते हैं तो लगभग 50% जो है जीडीपी में ये यहां पर रोल प्ले करता है। पर लेकिन ये घटकर अभी -11.3% हो गया है, यानी कि लोगों ने खरीदना है जो पहले के कंपेयर में वो बिल्कुल कम कर रखा है, नेगेटिव में पहुंच गई है। तो लोग यहां पर पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 के टाइम पर कुछ खरीद ही नहीं रहे क्योंकि लोगों के हाथ में जॉब नहीं है और या फिर लोगों की इनकम जो है वो रिड्यूस हो गई है, ना तो उनके हाथ में जॉब है ना उनके पास में इनकम जो है वो रिड्यूस हो गई है, ये कंडीशन देखने को मिल रही है। इसी के साथ में अगर आगे बात करें तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल ये फॉर्मेशन क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों को मैं बोलूं आज की डेट में आप लोगों को एक जूसर मिक्सर लेकर आना है, जूसर मिक्सर अगर आप लोग लेकर आते हैं तो उससे आप लोग जूस पी रहे हैं खूब अच्छे से अपनी हेल्थ बना रहे हैं जूस निकाल कर, तो ये एक तरीके से आप लोगों का पर्सनल यूज का प्रोडक्ट हो गया। पर लेकिन उस जूसर मिक्सर को आप लोगों ने मार्केट में ले जाकर रख दिया और वहां पर जूस निकालकर आप लोग बेच रहे हैं तो ये कैपिटल गुड हो गया। कैपिटल गुड वो सामान होता है जिसको यूज कर आप लोग फिर से पैसा बना सकते, फिर से आप लोग उससे एक तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं एक मार्केट में रखकर अगर उससे कुछ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये अभी हमारी कंट्री में काफी कम हो गया, एक्सपोर्ट काफी कम हो गया। जब एक्सपोर्ट कम होता है तो इसका मतलब सामान हमारी कंट्री में नहीं बन रहे हैं और सामान अगर हमारी कंट्री में नहीं बन रहे हैं तो लोगों को जॉब नहीं मिल रही है और लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो फिर से लोग खर्च कहां से करेंगे, तो ये फिर से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपोर्ट जो है वो भी नैरो हो गया काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि मान लीजिए अगर आज के डेट में हम लोग दवाइयां बनाना चाहते हैं अपनी कंट्री में तो दवाई बनाने के लिए हम लोग एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है वो खरीद कर लेकर आते हैं, यानी कि दवाई में डालने वाले जो सोल्ट है वो खरीद कर लेकर आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, मान लीजिए मार्केट में दवाई की खपत ही खत्म हो गई तो फिर एपीआई हम लोग खरीद कर थोड़ी ना लेकर आएंगे जब मार्केट में दवाई कोई खरीद ही नहीं रहा है। हालांकि कोविड-19 के चलते दवाई की खपत बढ़ गई है, पर लेकिन एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है।
मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों को लैपटॉप बनाना है, लैपटॉप में जो भी कंपोनेंट लगते हैं वो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते थे और लोगों ने लैपटॉप खरीदने बंद कर दिए, तो बाहर से खरीद कर कंपोनेंट लेकर आएंगे तो इसकी वजह से इंपोर्ट भी घट गया है और एक्सपोर्ट भी घट गया है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो उदाहरण मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा वह क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चा तेल मान लीजिए हम लोग ज्यादा खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो जितना इंपोर्ट कच्चे तेल का ज्यादा होगा उतना ही एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कि आज के डेट में जैसे ग्लिसरीन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये हम लोग क्रूड ऑयल कच्चे तेल से निकालते हैं तो फिर उतना ही ज्यादा उनको एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एक पॉइंट निकलकर सामने आता है, तो जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है, कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक और काफी बुरी कंडीशन जो देखने को मिल रही है वो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, हमारी कंट्री में जो बैंकिंग सेक्टर है, अभी हम लोगों ने यहां पर लक्ष्मी विलास जो बैंक है उसके बारे में जाना, इसी के साथ में यस बैंक के बारे में कुछ दिनों पहले जाना था, तो जो हमारी कंट्री में लोन प्रोवाइड कराने वाला सेक्टर है वो खुद ही बैसाखी के सारे चल रहा है, उसकी अच्छी हालत नहीं है तो लोगों को कहां से क्रेडिट मिलेगा, तो जो इंटरमीडिएटरी होते हैं वो भी ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे यहां पर हमारी कंट्री में, जैसे कि बैंकिंग अर्थव्यवस्था भी हमारी चरमरा रही है आज के डेट में, तो इस टाइम पर जब स्टिमुलस चाहिए यानी कि एक तरीके से एक सपोर्ट चाहिए, मार्केट में एक डिमांड होनी चाहिए तो लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, तो इसको रोकने के लिए यहां पर इकोनॉमी में अर्जेंटली जरूरत है कि आप लोग पुश करें कुछ ना कुछ यहां पर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहां पर अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहां पर नाउ कास्टिंग करके ये फिर से जो न्यूज है ये स्टार्ट की गई है, नाउ कास्टिंग। नाउ कास्टिंग का मतलब क्या होता है, नाउ कास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग बताएंगे कि हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में फ्यूचर में पास फ्यूचर में यानी कि फ्यूचर में यानी कि 5-6 साल बाद अभी रिसेंटली कुछ महीनों में हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था कैसी रहने वाली है, तो ये नाउ कास्टिंग जो है अभी हमारी कंट्री में इसके द्वारा बताया गया कि हमारी जो सेकंड कंसेक्यूटिव जो क्वार्टर है यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में हमारी ग्रोथ है 8.6%, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 8.6% बोली गई है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग कभी इनमें कंफ्यूज हो जाए, ये जो बताई गई है 7.5 कॉन्ट्रैक्शन बताया गया है, ये बताया गया है यहां पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग बात करें इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होगी 8.6, ये बताया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो अलग अलग एजेंसी अलग अलग एस्टिमेशन लगाती है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग नहीं है जब इलेक्शन में वोट डेलकर आते हैं तो अलग अलग जो लोग हैं वो रिव्यू करते हैं कि कौन जीत के आ सकता है, ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो जुलाई अगस्त सितंबर में इनके द्वारा बोला गया 6.8.6, उनके द्वारा बोला गया एनएसओ के द्वारा 7.5, तो कंफ्यूज मत होना। तो इनके द्वारा भी यहां पर ये जो वर्ड यूज किया गया है, इनके द्वारा भी यहां पर बोला गया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो टेक्निकल रिसेशन में है, तो इनके द्वारा भी यहां पर टेक्निकल रिसेशन वर्ड यूज किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नाउ कास्टिंग यहां पर जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये यहां पर इसका मतलब है नाउ कास्टिंग, या फिर आप लोग बोल सकते हैं द प्रेडिक्शन ऑफ द प्रेजेंट और द वेरी नियर फ्यूचर ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि या तो प्रेजेंट इकोनॉमी के बारे में बात करें हम लोग या फिर बहुत पास में यानी कि आने वाले 1-2 महीने या फिर 1 क्वार्टर के अंदर अंदर हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था कैसी रहने वाली है, ये यहां पर स्टार्ट किया गया नाउ कास्टिंग के थ्रू, इसको नाउ कास्टिंग बोला गया है। नाउ कास्टिंग यहां पर ऐसा नहीं है कि अभी यहां पर स्टार्ट किया गया आरबीआई के द्वारा, पहले भी यहां पर फर्स्ट नाउ कास्टिंग इसके द्वारा इशू किया गया था, ये जो बुलेटिन है नाउ कास्टिंग का 1947 में, पर लेकिन फिर इसको आगे चलकर बंद कर दिया गया 1995 में, फिर आगे तक चलकर बंद किया गया तो तब से लेकर अब तक ये बंद पड़ा हुआ था, इसको फिर से स्टार्ट किया गया है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों को बोले नाउ कास्टिंग के बारे में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछे कि फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि 1947 में इसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका था ऑलरेडी, इसको बंद कर दिया गया था 1995 में, अब फिर से इसको स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये डेटा है कुछ आप लोगों के सामने, ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री ऐसी खस्ता हालत फेस कर रही है। आज की डेट में अगर बात करें तो यहां पर इंडिया की 23.9% आप लोगों को देखने को मिला था यहां पर, जब लास्ट टाइम अप्रैल से जून के महीने में हम लोगों ने अपना ग्रोथ निकाला था। फिर इसी के साथ में अगर बात करूं आप लोगों से, जुलाई से लेकर सितंबर तक ये -8.6 आप लोगों को यहां पर देखने को मिला था, तो ये कंडीशन यहां पर हमारी कंट्री की अभी देखने को मिली, ये आरबीआई के हिसाब से है, ठीक है। अगर बात करें यूएसए, तो यूएसए भी यहां पर टेक्निकल रिसेशन में आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसी के साथ में यूके भी टेक्निकल रिसेशन में, और यूके तो ऑलरेडी माइनस जो पहले से चल रहा है यानी कि 3 क्वार्टर यहां पर यूके के हो चुके हैं। चाइना टेक्निकल रिसेशन में नहीं है क्योंकि चाइना माइनस में ओनली 1 क्वार्टर में रहा, इसके बाद में पॉजिटिव आ गया और फिर पॉजिटिव आगे चल रहे हैं। ब्राजील भी टेक्निकल रिसेशन में चल रहा है, बाकी कई सारी कंट्री ऐसी है जो टेक्निकल रिसेशन में चल रही है, तो ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री टेक्निकल रिसेशन में चल रही है, और सबको कोरोना वायरस का वरदान देने वाला अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, तो ये थोड़ा सा दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, यहां पर बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग यहां पर अटेम्प्ट करना एक तरीके से,
इस क्वेश्चन में दो टर्म यूज किए गए, एक तो बोला गया यहां पर इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में, तो बोला गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, तो आप लोगों को यह बताना है कि फिस्कल स्टिमुलस जो पैकेज है यहां पर, ठीक है, तो कौन सा कंसिडर किया जा सकता है अगर फिस्कल स्टिमुलस हम लोग को देना है। इसका मतलब होता है कि जनता के हाथ में पैसा पहुंचाना है, तो इनमें से कौन सा सही तरीका होगा जनता के हाथ में पैसा पहुंचाने का, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए इसको। बोला जा रहा है कि कटिंग द टैक्स रेट, यानी कि टैक्स रेट में अगर हम लोग कट कर देते हैं तो जनता के हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट के द्वारा पैसा खर्च ज्यादा किया जाता है तो जनता के हाथ में पैसा ज्यादा जाएगा। अबोलिशिंग द सब्सिडी, अगर सब्सिडी अबोलिश कर देते हैं तो जनता के हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3 ओनली, डी में बोला गया 1, 2 and 3 ओनली। तो सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, आप लोगों के हिसाब से क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो समझने की कोशिश कीजिए, अगर टैक्स कट कर दिए यहां पर तो इसका मतलब है जनता को कम पैसा देना पड़ेगा, टैक्स कम लग रहा है तो इसका मतलब है कि जनता के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, फिस्कल स्टिमुलस हमारी कंट्री की इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट की जो खर्चा है गवर्नमेंट बढ़ा देती है यहां पर, जनता के हाथ में पैसा पहुंचाती है, अलग अलग स्कीम लेकर आती है, तो यह भी सही है, यहां पर फिस्कल स्टिमुलस देने के लिए बिल्कुल सही है। अबोलिशिंग सब्सिडी, सब्सिडी होती है छूट एक तरीके से, मान लीजिए आज के दिन में बात करें हम लोग इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन में सिंचाई में सब्सिडी दी जाती थी पहले, जैसे कि सब्सिडी दी जाती है सिंचाई में, अगर सिंचाई में आप लोग बिजली का जो बिल है वो मान लीजिए 1000 रुपए आया एक महीने का किसानों का, आप लोगों ने बोला कि 800 रुपए जो है वो यहां पर गवर्नमेंट देगी, ओनली 200 रुपए आप लोगों को देना है, तो 800 रुपए की सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, तो सब्सिडी अगर अबोलिश कर दी तो जनता के हाथ में पैसा कम जाएगा, जनता के हाथ में पैसा कम गया तो फिस्कल स्टिमुलस नहीं होगा फिर यहां पर, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ओनली सही है। ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। बाकी ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और यहाँ पर जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर आज के दिन में अगर बात करें स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है उसके अंडर में यहाँ पर ये दोनों ऑफिस आते थे, ठीक है, अब एनएसओ भी इसी के अंडर में आता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर रखना है। बाकी मिनिस्टर कौन है ये छोटा सा आप लोग बताइएगा, इसको जाकर सर्च कीजिएगा एक बार, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये यहां पर बात करें हमारी कंट्री में फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, किसान का जो प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो दिक्कत निकल कर आ रही है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। इसके चलते आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है जो आप लोग यहां पर अटेम्प्ट करना है, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, कुछ ऐसे टर्म है यहाँ पर और बड़ी फ्रीक्वेंटली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। बात की जा रही है देयर इज ए नीड फॉर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन की अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक मजबूत संस्था होनी चाहिए अगर आप लोग लीजे फेरे पॉलिसी इन इंडियन एग्रीकल्चर में अनलीज करते हैं, यानी कि भारतीय कृषि में अगर आप लोग लीजे फेरी नीति को समाप्त करते हैं तो आप लोगों को यहां पर एक मजबूत संस्था लानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से अगर आप लोग इंटरफेयर करते हैं यहां पर, नॉर्मली अगर देखिए आज के दिन में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मार्केट में जो मार्केट अपने आप डिसाइड करे क्या सही है क्या गलत है, मार्केट फोर्स डिसाइड करे वहां पर डिमांड और सप्लाई के बेस पर, तो इसका मतलब है सही चीजें चल रही है, पर लेकिन अगर गवर्नमेंट का इंटरफेयर वहां पर होने लगे तो इसका मतलब यह है कि फिर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरीके से इंटरफेयर करना चाहती है तो इसका मतलब यह कि इंस्टीट्यूशनल जो एक तरीके से अरेंजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये आप लोगों को डिस्कस करने हैं, आर्टिकल में एक एक शब्द आप लोग समझ जाएंगे क्या हो रहा है और क्या बोलना चाह रहा हूं, तो आर्टिकल सुनिए। इसी के साथ में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो किसके रिकमेंडेशन के द्वारा फिक्स किया जाता है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो जो प्रीलिम्स में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है आगे चल के स्टेट पीसीएस वो क्वेश्चन पूछते हैं, इसी के साथ में एसएससी बैंकिंग तक भी आप लोगों के वो क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, तो यूपीएससी के क्वेश्चन आप लोग जरूर देखा कीजिए ताकि आगे भी अगर एग्जाम की तैयारी करें तो कंफ्यूजन न रहे। तो ये क्वेश्चन पास्ट में भी कई बार ऐसा पूछा जा चुका है, तो आइए पहले आर्टिकल देखते हैं उसके बाद में आप लोग समझिएगा आखिर कंट्री में चल क्या रहा है। हमारी कंट्री में जो भी किसान है उनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया गया और पंजाब और हरियाणा के किसान खासकर सामने निकल कर आए, क्योंकि हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली 3 ऑर्डिनेंस थे, ये जो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश थे ये हमारी कंट्री में जारी किए गए थे, अभी इन अध्यादेश को एक्ट बना दिया गया पार्लियामेंट में पास करके। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश जारी करने की जो पावर होती है हमारी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है आर्टिकल 123 के अंदर में, ठीक है। अगर गवर्नर के बारे में बात करूं तो गवर्नर के हाथ में जो पावर होती है वो होती है आर्टिकल 213 के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर बात करूं यहां पर किस तरीके से क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो यहां पर देखिए कई सारे चेंज लाने की कोशिश की गई है,
ट्रेड इन एग्रीकल्चर कॉमोडिटी, यानी कि एग्रीकल्चर में से जो भी कॉमोडिटी आती है, जो भी आप लोग एग्रीकल्चर में खेतों में लगाते हैं उसमें से जो भी सामान आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं, तो उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है यहां पर, जिससे किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्राइस एश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया अभी एमएसपी के बारे में, तो इनको लग रहा है कि आगे चलकर एमएसपी जो है वो खत्म हो सकती है। फार्म सर्विस इंक्लूडिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे आप लोगों ने मंडी देखी होगी ना, जैसे सब्जी मंडी में जाते हैं, ऐसे यहां पर आप लोगों ने एग्रीकल्चर मंडी देखी होगी जिसको एपीएमसी बोलते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कमेटी होती है, बेसिकली मार्केट जो होती है, तो एपीएमसी जो होती है उनको अभी यहां पर डायल्यूट करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। स्टॉक लिमिट फॉर इसेंशियल कमोडिटी को लेकर भी काफी चिंता रहती है। मान लीजिए आज के टाइम में मार्केट में टमाटर की कमी हो गई है, टमाटर जो है किसी ने उठाकर एक गोदाम में भर रखे हैं दुनिया भर के टमाटर, और मार्केट में टमाटर नहीं है, तो इसके बारे में कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो इनका भी सॉल्यूशन यहां पर निकलना चाहिए। तो आज के डेट में अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें, तो सबसे पहले तो यहां पर स्टॉक लगाया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, ताकि मार्केट में प्राइस अच्छा बना रहे, तो वो रोकना पड़ेगा। इसी के साथ में जो ट्रेडिंग एरिया है जिसमें मिडिलमैन के बारे में बात की जाती है, तो क्रिएटिंग ट्रेडिंग एरिया फ्री ऑफ मिडिलमैन, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। और यहां पर एक बात की जा रही है, जो मार्केट है उसको फार्मर तक लेकर जाया जा रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जो बोलना चाह रही है वो अपनी जगह सही है कई मुद्दों पर अगर आप लोग देखो, पर लेकिन अगर उन मुद्दों को अगर अलग तरीके से हम लोग देखें कि क्या रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर वही होगा, तो वो फिर थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है। मैं क्या बोल के चला गया हूं वो आप लोग यहां से समझिएगा, जब मैं आप लोग यहां पर लेकर चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें आप लोग चीजों को ढंग से समझ पाएंगे। एक साइड में तो मैं बोलूं कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो सही कर रही है कि बिचौलिया को हटा रही है इसमें मार्केट में से। बिचौलिया अगर हट जाएंगे तो डायरेक्ट जो किसान का प्रोडक्ट है वो पहुंचेगा यहां पर जो बेसिकली मार्केट में, और मार्केट में अगर पहुंचेगा तो उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। पर आप लोग ये सोचिए, अगर मार्केट में जो अच्छा प्राइस उसको नहीं मिल रहा है फिलहाल, तो अभी गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी रखती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखती है, तो उसे प्राइस मिल जाता है। अगर किसानों को यहां पर अभी तो यहां पर एक तरह से कहीं ना कहीं ये ऐसा एक ये लगता है कि हाँ हमारा जो सामान है मार्केट में जाएगा तो हमको प्रोडक्ट का भाव जो है वो सही मिल जाएगा, पर लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, उसकी कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो हमारी कंट्री में तीन ऑर्डिनेंस लाए गए थे, इन तीनों ऑर्डिनेंस के नाम एक बार आप लोग देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यह है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। द फार्मर इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, अरे ये है एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, ठीक है। इसी के साथ में इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, तो यहां पर इन दो में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर लेकिन पहले वाला जो है यहां पर इसको लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि पहले वाले में यहां पर चार चीजें हैं, एक तो है ट्रेड एरिया, दूसरा है ट्रेडर, तीसरा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, और चौथा है यहां पर मार्केट फी। समझने की कोशिश आप लोग कीजिए, यहां पर जो ट्रेड एरिया है यहां पर, नॉर्मली अगर ट्रेड एरिया के बारे में बात करो, जिसको एपीएमसी आप लोग बोलते हैं, एग्रीकल्चर जो मार्केट प्रोड्यूस कमेटी है, या फिर हिंदी में आप लोग जिनको मंडी बोलते हैं, तो ये जो मंडी है यहां पर किसान अपना सामान ले जाकर बेचता है, और ये जो सामान लेकर बेचता है उसको प्राइस मिलता है वहां पर। कई बार ऐसा होता है कि किसान को पैसे नहीं होते किसान के पास में, तो ये मंडी में से जो उसको उधारी भी यहां पर मिल जाती है आराम से, क्योंकि जो भी यहां पर बिचौलिया रहते हैं वो उनको सर्टिफिकेट मिला रहता है, वो आराम से वहां पर काम करते हैं, कल को अगर कोई लेकर भाग जाता है तो उसको पकड़ा जा सकता है आसानी से। पर लेकिन यहां पर ये ऐसी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी, एपीएमसी मार्केट की जगह इन्होंने ट्रेड एरिया बना दिया। ट्रेड एरिया का मतलब क्या है, जिसके पास भी पैन कार्ड होगा आज के में वो जाकर किसानों से यहां पर सामान खरीद सकते हैं, और उसको ट्रेडर यहां पर बना दिया गया, यानी कि जो मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे यहां पर एपीएमसी मार्केट के मंडी के अंदर में, अब उसको हटाकर ट्रेडर बना दिया। कल को अगर ये कोई धोखाधड़ी कर भाग जाता है, कौन इसके पीछे घूमेगा और कहां इसको ढूंढेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह, एपीएमसी मार्केट जो होती है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में यहां पर आती थी, वो इनको कंट्रोल करते थे, पर लेकिन आज की डेट में अगर एपीएमसी मार्केट खत्म हो जाती है तो किसानों के लिए मुश्किल और मुसीबत पैदा हो जाएगी कि उनको यहां पर उनके खुद के प्रोडक्ट के प्राइस भी प्रॉपर मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए जो बॉडी बनाई गई है, यानी कि अगर कुछ झगड़ा होता है, कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उसका सॉल्यूशन अगर यहीं निकल गया तो सही है, आगे अप्लाई आप लोग नहीं कर सकते। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, अगर कोई केस हो जाता है तो आप लोग हाई कोर्ट से, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट में आना है। अगर हार गए तो हार गए और जीत गए तो जीत गए। तो इस तरीके का प्रोविजन यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनल डिसीजन यहां पर इसी अथॉरिटी का होगा जो इसके लिए बनाई गई है। मार्केट फी जो है वो यहां पर हटा दी गई है, जो यहां पर ट्रेड एरिया है। ट्रेड एरिया में से देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर बात करें मंडी के अंदर लोग जा रहे हैं तो वहां पर मार्केट में एक फी लगती है। अगर ट्रेड एरिया में वो मार्केट फी हटा दी जाए तो सारे लोग कहां जाएंगे, सारे लोग जाएंगे ट्रेड एरिया में। यानी कि ट्रेड एरिया और इसको ऐसे समझिए आप लोग, दो दुकान है, एक दुकान है ए और दूसरी दुकान है बी। तो ए हो गया यहां पर ट्रेड एरिया और बी हो गया यहां पर मंडी। तो अगर यहां पर इस वाली दुकान में आप लोगों को जाने के बाद में कोई फीस नहीं लगती है, फ्री में एंट्री है इस दुकान में आप लोगों की, तो आप लोग आसानी से यहां पर अपने प्रोडक्ट जाकर बेच सकते हो। पर लेकिन इसमें फीस लग रही है तो आप लोग
आसानी से प्रोडक्ट ले जाकर नहीं बेच सकते हो। तो सब लोग क्या सोचेंगे यार इसमें जाकर बेचते हैं, पर लेकिन एक टाइम पर ऐसा हुआ कि सब लोगों ने इसमें देना स्टार्ट कर दिया और ये बंद हो गई, ये खत्म हो गई। अब आगे चलकर अगर ये फीस भी लगाए, मंदा प्रोडक्ट लिए या कुछ भी कर ले, इसकी तो मोनोपोली क्रिएट हो गई, यानी कि ये तो जो चाहे वो करेगा, आप लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे आज के मार्केट में जियो है, कल को एयरटेल, बीएसएनएल, आइडिया, वोडाफोन सारे बंद हो जाए और जियो अकेला रह जाए और जियो बोलने लगे अब तो 500 रुपए में आप लोगों को आधा जीबी दूंगा बस, ठीक है, तो आप लोग क्या कर लेंगे उसका। तो इस तरीके से यहां पर अगर कोई कंडीशन बनती है तो वो चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करूं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि इसमें जो सब्सिडी है उसको एंड करने की बात चल रही है। सब्सिडी आर्थिक सहायता, जैसे मैंने बोला ना अभी 1000 रुपए का बिल आता है, 800 रुपए उसमें से गवर्नमेंट दे देती है और 200 रुपए आप लोगों को देने, तो सब्सिडी होगी 800 रुपए की। अगर यहां पर 800 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है तो फिर 1000 के 1000 रुपए जो है वो हमारे किसानों को देने पड़ेंगे, और अगर किसान जो है वो 1000 रुपए यहां पर देते हैं तो फिर सिचुएशन कैसी होगी, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आएगा। तो इसको लेकर भी कई सारे जो किसान है वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक मुद्दा नहीं है, कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आगे अगर बात करें यहां पर, ये बात करें कि आगे आने वाले टाइम में जो न्यू लॉ है, जो इनके नए नियम लाए जा रहे हैं, वो यहां पर डिसमेंटल करेंगे, उखाड़ देंगे, यानी खत्म कर देंगे एमएसपी और मंडी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी खत्म कर देंगे और मंडी को भी खत्म कर देंगे। डिसमेंटल जो शब्द मुझे सुनता हूं तो एकदम याद आ जाता है रजनीकांत का चिट्ठी, रजनीकांत का जो चिट्ठी था उसको डिसमेंटल कर दिया गया था, यानी कि अलग अलग पुर्जे निकालकर अलग अलग रख दिए गए थे, तोड़ दिया गया था एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो डिसमेंटल यानी कि उखाड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा एमएसपी और मंडी को, और एमएसपी अगर मंडी अगर यहां से चली जाती है तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि प्राइवेट बायर यहां पर आ जाएंगे। तो प्राइवेट जो प्लेयर है मार्केट में, जैसे मान लो कल को चलकर अदानी और अंबानी ये टाइप के जो लोग हैं, ये आकर हमारे प्रोडक्ट खरीदने लगे, तो इनको फायदा यहां पर देखने को मिलेगा, मंडी सारी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आज के डेट में आलू लगाए जाते हैं खेतों में चिप्स बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, तो वही कंपनी यहां पर काम करेगी, बाकी जो है बाकी को यहां पर सही तरीके से यहां पर एक तरीके से उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा प्राइवेट कंपनी कौन सी यहां पर काम कर रही है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी गांठ साठ करके बोले कि बस इससे ज्यादा पैसा नहीं देना है, तो फिर क्या कर लोगे, एमएसपी तो किसानों के पास में है नहीं कि वहां पर ले जाकर बेच देंगे। और देखिए एक और मुद्दा है यहां पर, बिहार के अंदर ना जो मंडी वगैरह है वो खत्म हो चुकी है, तो इसके चलते ये भी मुद्दा देखने को मिलता है कई बार कि अगर आप लोग बात करते हैं ट्रेड एरिया के अंदर, तो बिहार के अंदर मंडी खत्म हो चुकी है, तो वहां पर काफी ज्यादा खस्ता हालत रहती है किसानों की, तो अगर आप लोग पूरी कंट्री में ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है उसको लेकर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है कि यहां पर जो सब्सिडी है वो खत्म हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। तो इसी के चलते जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो प्रोड्यूसर है, जो कंज्यूमर है, उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, बेसिकली बिचौलिया को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन बिचौलिया के लगाने से अगर यहां पर एक बैलेंस बना हुआ है तो वो सही है। अगर बिचौलिया कल को हट जाता है, अगर बैलेंस ही बिल्कुल खत्म हो जाए, फिर यहां पर किसान किसके एक तरीके से ऊपर डिपेंडेंट यहां पर रहेंगे, किसान तो बिल्कुल मार्केट में जाएंगे, और मार्केट में कितना कौन बेवकूफ बनाकर उनसे ठग रहा है उसके बारे में आप लोग क्या करेंगे। तो मार्केट फोर्स को जो बोला गया एक तरीके से तो सही तो है वैसे, हालांकि एक तरीके से इक्विलिब्रियम होना चाहिए, किसानों को उनका प्रोड्यूसर का फुल वो मिलना चाहिए यहां पर प्राइस, पर लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगर यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट की मंशा सही है, आगे आने वाली गवर्नमेंट अगर कोई आती है उसकी मंशा सही ना हो तो फिर क्या कर लोगे आप लोग, एमएसपी हटा दी और मंडी बंद हो गई तो फिर क्या मिलेगा किसानों को। तो किसान जो है इसको लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि यहां पर थोड़ा समझना चाहिए गवर्नमेंट को किसान का कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए, किसानों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आना चाहिए, उनके लिए सहानुभूति रखनी चाहिए, और अनकंडीशनल किसानों को बोलना चाहिए कि आप लोग आइए हमसे बात करें, जो जो भी आप लोगों का ग्रीवेंस है, जो जो भी आप लोगों की दिक्कत है उनका सोल्यूशन भैया हम लोग निकालेंगे, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपने चुनकर हम लोगों को भेजा है ना, तो हम लोग उनका सोल्यूशन निकालेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब इनको अटेम्प्ट कीजिएगा, यहां पर बात की जा रही है कि एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होनी चाहिए हमारी कंट्री में किसानों के लिए, तभी जाकर सिचुएशन को हम लोग सुधार पाएंगे, आप लोग तभी जाकर जो लेजर फेयर है इसको आप लोग एक तरीके से अनलीज कर सकते हैं इनके, तभी जाकर आप लोग इसको समाप्त कर पाएंगे। तो ये टर्म जो यहां पर यूज किया गया है, इस टर्म का आप लोग मीनिंग देखिए आप लोग, और इसका भी आंसर आप लोगों यहीं पर ही देखने को मिलेगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन अलग से आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो यहां पर यूज किया गया यहां पर लेजर फेयर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि लेट यू डू, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और मार्केट को छोड़ दिया जाए कि मार्केट जो है अपने हिसाब से काम करे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फ्री मार्केट कर देना, जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, मार्केट में जो डिमांड है उसको सप्लाई करेगी कंपनी, एक तरीके से जो कैपिटलिज्म होता है उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, यानी कि जो कंपनी है वो प्रोवाइड करे जो जो मार्केट में जरूरत है, तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेयर बिल्कुल बंद हो जाए, तो ये मतलब रहता है। जहां जहां यहां पर ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा,
वहां वहां आप लोगों को ऑटोक्रेट जो निरकुंस लीडरशिप देखने को मिलेगी, यानी कि वो खुद अपने आप इंटरफेयर करते हुए नजर आएंगे कि मार्केट में आलू का भाव ये होना चाहिए, गवर्नमेंट बताएगी, टमाटर का भाव ये होना चाहिए, गवर्नमेंट बताएगी। तो वहां पर क्या होगा, सब चीजों में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, तो ये चीजें सही नहीं है, तो उसको कम करने की कोशिश की जाती है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या होते हैं डिसीजन, क्या होता है मार्केट में, मान लीजिए चार चार एक तरीके से सामान बेचने वाले बैठे हैं, चारों टमाटर बेच रहे हैं, ये बेच रहा है 50 रुपए किलो, ये बेच रहा है 40 रुपए किलो, ये बेच रहा है 30 और ये बेच रहा है 20। ठीक है, ये 20 वाला बिल्कुल बेकार क्वालिटी दे रहे हैं, 30 वाला एक ठीक क्वालिटी दे रहा है, यहां पर 40 वाला भी एक ठीक क्वालिटी दे रहा है, 50 वाला क्वालिटी भी खराब दे रहे हैं, और मार्केट में प्राइस भी ज्यादा लिया है, कोई खरीदेगा इससे? सब इससे खरीदेंगे या फिर इससे खरीदेंगे जाकर? तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट बोले कि चाहे बढ़िया हो चाहे खराब हो, भैया आप लोग यहां पर 45 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं टमाटर, तो क्या ये सही रहेगा? तो ये गलत है, यहां पर इस तरीके से गवर्नमेंट को इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों से पूछा था यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर जो बेसिकली डिक्लेयर किया जाता है, यहां पर ये फाइनलाइज किया जाता है, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कि CACP, इसके द्वारा यहां पर ये सामने निकल कर आते हैं। तो इसी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये जो बेसिकली बॉडी है ये बनाई गई थी 1965 में, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो यहां पर स्टेब्लिश किया गया था, और आज के डेट में फिर से इसको रीनेम किया गया, यहां पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये 1985 में इसका नाम रखा गया फिर से इसका रीचेंज करके। ये हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये ऑफिस आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूं, जो कई बार कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में रहता है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कैपिटलिज्म जो होते हैं यहां पर, वो एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट उनको रहा तो काम कर रहे हैं एक तरीके से, प्राइवेट यहां पर सारे ओनर रहेंगे। पर लेकिन जब सोशलिज्म में बात करें, या तो गवर्नमेंट रहेगी यहां पर एक तरीके से ओनर, या फिर यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी। तो पहला तो डिफरेंस यही हो गया, यहां तो प्राइवेट कंपनी रहेंगी, जो भी एडिडास हो गया, जो भी आपके लिए कंपनी आप लोगों को देखने को मिलती है मार्केट में प्राय, और यहां पर गवर्नमेंट बनाएगी सारी चीजें। इक्विलिटी के बारे में अगर बात करें, यहां पर इनकम जो डिटरमाइन की जाती है मार्केट फोर्स के द्वारा डिसाइड की जाती है, यानी कि मार्केट में कितनी डिमांड है, कितने जूतों की रिक्वायरमेंट है और कितने जूते सप्लाई किए जा रहे हैं, तो इसके बेस पर डिसाइड करेगा। इनका जो रहता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहता है, यानी कि सबको जो है ठीक ठाक पैसा मिलता रहे, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर हो गया, कोई बहुत ज्यादा गरीब हो गया। प्राइस के बारे में बात करें, डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई को लेकर, यहां पर प्राइस कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि टमाटर का भाव यही रहेगा भैया। ठीक है, एफिशिएंसी के बारे में बात करें, तो मार्केट इंसेंटिव जो एनक्रेज करते हैं, क्योंकि एक तरीके से आप लोग ये समझते हैं, अगर यहां पर आजकल में एक पर्टिकुलर बंदा जो है हाई प्राइस पर बेच रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं, तो कौन खरीदेगा? पर गवर्नमेंट जो ओनर है, तो यहां पर इंसेंटिव भी दे देती है कई बार, यहां पर वो भी चीजें देखने को मिलती है, सब्सिडी वगैरह जो प्रोवाइड करा देती है, लिमिटेड टैक्स देखने को मिलता है, और लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखने को मिलती है, हाई प्रोग्रेसिव टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, और हाई स्पेंडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। हेल्थ केयर जो होता है, वो अगर आप लोग फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ देते हैं नॉर्मली, हेल्थ केयर लेफ्ट टू फ्री मार्केट। ठीक है, हेल्थ केयर यहां पर जो प्रोवाइड किया जाता है, वो यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसी के साथ में प्रॉब्लम रहती है, यहां पर इनइक्वलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, कोई अबानी अंदानी टाइप का बन गया और कोई रिक्शा वाला रह गया, मार्केट फेलियर के होने के चांसेस रहते हैं, और मोनोपोली भी क्रिएट हो जाती है कई बार, कि मार्केट में एक ही प्लेयर हो गया और सबको निकाल दिया। इनइफिशियंट यहां पर जो स्टेट इंडस्ट्री आप लोग कई बार देखने को मिलती है, कि इंडस्ट्री करप्ट हो जाती है, काम नहीं करती है, और उनको इंसेंटिव भी ढंग से नहीं मिल पाते हैं, तो दोनों जगह ये दिक्कत भी देखने को मिलती है। एडवांटेज क्या है, डायनामिक इकोनॉमी देखने को मिलेगी, इंसेंटिव अच्छा मिलने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा आता है, इनोवेशन देखने को मिलता है, नए नए आइडिया आते हैं, प्रमोशन इक्विलिटी, और इसी के साथ में अटेम्प्ट किया जाता है कि मार्केट फेलियर से कैसे निकला जाए, तो गवर्नमेंट उसमें पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और ये सारी चीजें जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, या फिर प्रीलिम्स में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ जाए, तो भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये डिटेल में इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये हालांकि जो आर्टिकल है वो छोटा आर्टिकल है, पर लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में यूज किए गए, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बात की है, हार्ड इफेक्ट क्या है, ये आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हार्ड इफेक्ट क्या है, तो इसके बारे में याद रखेगा। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं यहां पर COVID-19 के बारे में। COVID-19 की जो बीमारी चल रही है, बीमारी का नाम है COVID-19, और जो वायरस का नाम है SARS। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है यहां पर एस, ठीक है, तो इसके बारे में एक बार सॉरी सी नहीं है यहां पर, ये है SARS है। ठीक है, सी नहीं है यहां पर, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिंड्रोम बोल रहा हूं तो सी बोला था उसको एस है। ठीक है, तो सिंड्रोम यहां पर सीरियस रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है यहां पर, ये SARS जो है इसका पूरा नाम है SARS। ठीक है, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अब आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने गलती कर दी। तो देखिए गलती करने का फायदा क्या होता है, आगे से मुझे भी कंफ्यूजन नहीं होगा यहां पर। ठीक है, तो इसलिए गलती करने से डरिए मत, पर लेकिन गलती को रिपीट भी मत कीजिए। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है, जो क्वेश्चन पेपर की आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को बोला जाता है।
और जिनको ये लगता है कि पैसा देकर ही आप लोग अच्छी तरह आप लोग अपना एक तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं, तो उनके लिए यहां पर बिल्कुल गलत साबित करते हो। यहां पर कई सारे ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने अपने सिलेक्शन लिए हैं। अगर आप लोग जो आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि बस टेस्ट सीरीज ही आप लोगों को खरीदनी है, अगर खुद में भी आप लोगों का थोड़ा सा डेडिकेशन है, पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाइए, उनके आंसर लिखिए, ग्रुप में पोस्ट कीजिए, एक दूसरे का आंसर एनालाइज कीजिए, तो यहां से भी बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। बस आप लोग के अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ यार ये काम हम लोग को करना है। बस रहता क्या है कि हाँ यार सब कुछ मां बाप के पैसे हैं, बस खर्च करने पर उनको तुले रहते हैं कि हाँ ये करना है, अपनी मेहनत नहीं करनी है कुछ भी। तो ये चीजें आप लोग अगर थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर दें तो ये काम आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो ये चीज आप लोग इंप्लीमेंट कर देखिए तो आप लोगों को फायदा होगा काफी ज्यादा। ये मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम पर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनको, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखिए। ठीक है, जो वैक्सीन होती है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, वो काम क्या करती है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है यानी कि जो दवाई जो यहां पर बीमारी से लड़ने के लिए एक तरीके से हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है वो घटने लगती है और वैक्सीन उसको बढ़ाती है ताकि हमारी बॉडी दवाई के साथ में लड़ सके, सॉरी दवाई नहीं बीमारी के साथ में लड़ सके। तो उस टाइम पर ये सिचुएशन तब निकल कर आती है, अगर इम्यूनिटी बर्बाद हो रही है तो उस टाइम पर हमारे लिए दवाई की जरूरत है, दवाई उस इम्यूनिटी को थामेगी और फिर मेडिसिन एक तरीके से प्रिवेंशन का काम करती है ताकि हमारी बॉडी में ये बीमारी देखने को न मिले। आप लोग ये देखिए, अगर 10 लोग बिल्कुल हष्टपुष्ट हैं, बिल्कुल एक तरीके से इम्यून सिस्टम अच्छा है और एक लोग ओनली वहां पर बीमार है, तो आने वाले टाइम में वो लोग भी आप लोगों को सही होते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर 10 लोग यहां पर एक तरीके से बीमार है और एक लोग ऐसा है वहां पर जो सही है, तो वो भी बीमार पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी के बारे में यहां पर बात की है। हार्ड इफेक्ट का बेसिकली मतलब ये है, जब आप लोग दवाई देते हैं और एक तरीके से दवाई देकर आप लोग सोसाइटी के अंदर जो भी बेसिकली बीमारी है, जो भी माइक्रोबीज यानी कि सूक्ष्म जीव जो है उनका ट्रांसमिशन अगर आप लोग डिक्रीज करते हैं तो जो डिक्रीज फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाती है अगर आप लोग इसको कंट्रोल करके रखते हैं अच्छे से। यानी कि एक तरीके से वो नहीं बोलते हैं कि एक तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट अगर अच्छे लोगों के बीच में रहो तो आप लोग भी जो एक तरीके सोच है वो अच्छी हो जाएगी, तो वही समझाने की कोशिश की जा रही है। तो सोसाइटी अगर हेल्दी रहेगी तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को आसानी से मिलेगी। हमारी कंट्री में कई सारी बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स हो गया, कैटल प्लेग हो गया, ये हमारी कंट्री में इरेडिकेट किए जा चुके थे वैक्सीन की हेल्प से। इसी के साथ में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको आज के डेट में आप लोग SARS-CoV-2 बोलते हैं, तो ये SARS-CoV-2 यहां पर अभी कोरोना वायरस का वायरस है, कोरोना वायरस COVID-19 बीमारी का नाम है, SARS-CoV-2 वायरस का नाम है। इससे पहले 2003 में ये बीमारी देखी जा चुकी थी, उस टाइम पर भी यहां पर हम लोगों ने इसको इरेडिकेट किया था, खत्म किया था। तो यहां पर जो खत्म किया था, यहां पर ये नॉन फार्मालोजिकल ये जो इंटरवेंशन है यानी कि NPI जो है यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है, बेसिकली उससे हम लोगों ने इसको निपटा है। आखिर क्या होता है यहां पर नॉन फार्माकोलॉजिकल, इसका मतलब ये कि दवाइयों का ज्यादा यूज न करते हुए सबसे पहले तो आप लोगों ने जो भी लोग हैं डिटेंशन है उनको देखा, जो भी लोग हैं यहां पर उनको डिटेक्ट किया कि हाँ इन लोगों को यहां पर ये बीमारी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, ये लोग किन किन लोगों से जाकर मिले हैं और उनको क्वारंटीन में रखा गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने दवाइयों का कम यूज करते हुए एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला था पास्ट में भी, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। COVID-19 की जो वैक्सीन है यहां पर वो क्लेम की जा रही है कई सारी जो कंपनीज है उनके द्वारा, जैसे कि 90% से लेकर 95% तक इफिकेसी यहां पर देखने को मिल रही है, जैसे BNT162B2, तो यहां पर ये फिजर बायोटेक जो बायोनिटेक है यहां पर इसके द्वारा बोला जा रहा है, mRNA-1273 यहां पर मॉडर्ना है, इसी के साथ में Sputnik-5 ये रशिया वाली जो कंपनी है, ठीक है, तो गैमलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है। तो जल्दी से हम लोग के सामने यहां पर दवाई होगी। Sputnik-5 तो Under-2 और Under-Phase-3 ट्रायल में पहुंच चुकी है और हमारी कंट्री में डॉक्टर रेड्डी, जो आप लोगों ने सुना होगा ना दवाइयों की कई ऐसी जो कंपनीज है उनमें से डॉक्टर रेड्डी काफी फेमस है, ये काम कर रही है। Sputnik-5 जल्दी हमारी कंट्री में हो सकता है, पॉसिबल ये कि 2020 के एंड में यानी कि दिसंबर के एंड तक आप लोगों को यहां पर ये दवाई देखने को मिल जाए। तो होपफुली आने वाले टाइम में हम लोगों को दवाई मिलने वाली है, पर लेकिन क्या हम लोगों के लिए उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखी है, कोल्ड स्टोरेज चेन चाहिएगी उसके लिए ताकि दवाइयों को सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो उसमें हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो भी काफी बड़े मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। तो ये एक ओवरव्यू दिया गया है यहां पर दवाइयों से रिलेटेड, कुछ बातें यहां पर की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर पेरिस जो एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आर्टिकल है, पर लेकिन पूरा फोकस जो यहां पर दिया गया है ये दिया गया है किसके बारे में, ये दिया गया आज के डेट में जो USA है उसके ऊपर फोकस देने की कोशिश की जा रही है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, पहले तो आप लोग यहां पर ये समझिए पेरिस एग्रीमेंट था क्या। पेरिस एग्रीमेंट जिसको COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के नाम से भी जाना जाता है, तो अगर आप लोगों से कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 बोले तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में ही बात कर रहा है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, तो फ्रांस में ये एग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया था और जो एग्रीमेंट था ये विद इन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCC
के अंदर जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया था ताकि घटाया जा सके ग्रीन हाउस गैस, यानी कि जो गैसी गैस है जो कि मार्केट जो कि एक तरीके से एनवायरमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करती है उसको घटाया जा सके। एग्रीमेंट जो साइन किया गया था यहां पर ये बेसिकली 22 अप्रैल 2016 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था और कई सारी कंट्री के द्वारा यहां पर इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, यूएसए भी उनमें से एक कंट्री था, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनके द्वारा बोला गया नवंबर के महीने तक वो बाहर निकल जाएंगे। तो 2020 नवंबर के महीने तक यानी कि इसके स्टार्टिंग में जब यूएसए के इलेक्शन आए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो वहां वो बाहर निकलकर भी चले गए। पेरिस जो एग्रीमेंट था उसका गोल क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। उसका गोल था कि टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से नीचे आप लोगों को रखना है, खासकर अगर लिमिट किया जाए तो 1.5 डिग्री तक यहां पर आप लोगों को उसको लिमिट करना है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो खेती जो बेसिकली खेतों में हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक तरीके से आप लोग समझिए, मान लीजिए आप लोगों को चावल की खेती करनी है उसके लिए टेम्परेचर चाहिए कितना पर, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया तो चावल की खेती नहीं हो पाएगी। ओशन के अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा तो जो हमारा जो क्लाइमेट है खासकर कहां बारिश कम हो रही है कहां ज्यादा हो रही है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। तो इस तरीके से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और खासकर जो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी है वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कई सारे एरिया ऐसी दिक्कत फेस करते हैं जैसे मालदीव आइलैंड कंट्री है तो सी लेवल अगर राइज होता है टेम्परेचर के बढ़ने से जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो फिर बर्फ जो है वो नीचे आता है ग्लेशियर पिघलने की वजह से और जहां जहां पर वो पानी पहुंचते हैं उसकी वजह से आइलैंड डूब जाते हैं तो उसके बारे में कौन बात करेगा। तो जो डेवलप्ड कंट्री है उनको तो बात करें, डेवलपिंग कंट्री जो है उनके बारे में अगर बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट देनी है अमीर कंट्री को गरीब कंट्री को ताकि ये कंट्री जो है वो भी सर्वाइव कर सके। ये सारी बातें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में बोली गई थी। डोनाल्ड ट्रंप बोलने लगे हम अपना पैसा किसी और को क्यों दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन आदमी है तो उनको ये चीजें समझ में नहीं आई, तो उन्होंने बोला क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं होती है और मैं इससे बाहर निकल रहा हूं, जिसको जो करना है कर लेना, ठीक है, और बाहर निकल गए। पर लेकिन अब जो बाइडेन यहां पर चुनकर आए हैं तो जो बाइडेन इसको कैसे लेकर चलने वाले हैं वो देखने वाली बात होगी। पेरिस एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके से अलग ही बोला जा रहा है कि कई सारे लोगों के द्वारा ये सॉल्यूशन नहीं है, ये एक तरीके से रामबाण नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं इससे रामबाण है सब कुछ इलाज निकल जाएगा, पर लेकिन फिर भी कुछ हद तक चीजें आप लोग सुधार सकते हैं, ना होने से कुछ होना अच्छा रहता है। इसमें टारगेट किया गया 1.5, अगर इससे ज्यादा चला जाता है तो बहुत ही खतरनाक जो एक तरीके से इरिवर्सिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि मान लीजिए अगर सारे ग्लेशियर पिघल गए एक बार और वो आ गए ओशन के अंदर तो ओशन का जो लेवल बढ़ेगा, हमारी कंट्री के जो कोस्टल एरिया है जो कोस्टल राज्य है वो भी कहीं ना कहीं डूबते हुए कई सारा एरिया उनका नजर आएगा। हमारा आइलैंड अंडमान निकोबार जो हो गया और लक्षद्वीप जो हो गया वो भी डूबते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। आइलैंड कंट्री होगी जैसे मालदीव के बारे में अभी मैंने आप लोगों से बात की या और कई सारी कंट्री है वो भी डूबती नजर आएंगी। तो ये सारी चीजें संभालना काफी ज्यादा जरूरी है। जो बाइडेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो इसमें फोकस देकर चलेंगे। तो पेरिस एग्रीमेंट जो का बेसिक टारगेट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, टारगेट है नेट जीरो एमिशन करना 2050 तक, तो यहां पर इसको कमिटमेंट बोला गया है यहां पर इनके द्वारा। और स्टेट जो यहां पर फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये यहां पर जॉन कैरी को यहां पर क्लाइमेट चेंज इनवॉय बनाया गया है यहां पर बाइडेन के द्वारा। तो आने वाले टाइम में काफी अच्छे इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट यहां पर आर्किटेक्ट जो किया गया था इनके बनाया गया था मिस्टर कैरी के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था, तो जो बाइडेन काफी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं यहां पर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर, तो ये यहां पर समझाया गया है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये है ईरान के बारे में। ईरान के जो फादर थे यहां पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनका नाम था मोहसिन फखरीजादे, इनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई, इनको मार दिया गया, इनके ऊपर अटैक किया गया कुछ लोगों के द्वारा और इनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में, इनको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे इनके कंधों पर टिका हुआ था पूरा जो यहां पर ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से आवाज उठा पाता था कि हाँ हम लोग अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो मोहसिन फखरीजादे जो हैं, जो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने यहां पर इनके बारे में बोला भी था कि सबसे खतरनाक जो इंसान है वो ये है, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर पावर न बने तो इनको आप लोगों को रोकना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर ऑलरेडी बेंजामिन नेतन्याहू इस बारे में बोल चुके थे। तो इसी के चलते ईरान ने यह बोला है कि हमारे जो यहां पर साइंटिस्ट हैं उनको बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा मारा गया है, इनकी जो मोसाद जो एजेंसी है उनके द्वारा यूएसए के साथ मिलकर यहां पर ये बेसिकली अटेम्प्ट किया गया है। हालांकि यूएसए के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर लेकिन हाँ इसराइल के ऊपर पूरा एक तरीके से उंगली उठाई गई यहां पर, खासकर हसन रूहानी जो कि आजकल में प्रेसिडेंट है ईरान के, उनके द्वारा भी यहां पर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दी गई है और साफ साफ ये बोला गया कि इसराइल से यहां पर ये बदले लेंगे आने वाले टाइम में। आखिर यहां पर ऐसी कंडीशन क्यों बन गई, अभी आप लोगों को पता है कि जनवरी के
महीने में डोनाल्ड ट्रंप अपनी जगह छोड़ देंगे और वहां पर फिर जो पावर में आएंगे वो आएंगे जो बाइडन। और जो बाइडन जो है वो चाहते हैं हमेशा से, पहले भी बराक ओबामा के टाइम पर भी, कि ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन की जाए और शांतिपूर्ण समझौते के साथ में आगे बढ़ा जाए। तो उस टाइम पर कंडीशन ये बनी थी आप कि जैसे उनके द्वारा साइन किया गया था तो डोनाल्ड ट्रंप उससे बाहर निकल गए थे, पर लेकिन आने वाले टाइम में इनके बीच में नॉर्मल रिलेशन न रहे जो बाइडन और इसी के साथ में ईरान के साथ में, तो इसलिए वो सिचुएशन ऐसे खराब कर जाना चाहते हैं ताकि इसको सही करने में ही कम से कम 4-5 साल आने वाले टाइम में लग जाए और तब तक फिर से इलेक्शन आ जाएंगे, यानी कि इनके साथ में शांति न बना के रख पाए। तो ईरान के साथ में अगर शांति न बना के रख पाएंगे तो ये पूरा जो एरिया है वो अशांतिपूर्ण यहां पर बना रहेगा। आसपास देखिए बेसिकली सेंट्रल एशिया का जो एरिया है यहां पर, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऊपर जाएंगे तो उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तो ईरान यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर्शियन गल्फ और यहां पर स्टेट ऑफ फार्मूज आप लोग देख सकते हैं, गल्फ ऑफ ओमन भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, कैस्पियन सी यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर इस एरिया में शांति नहीं रह पाती है तो ये सारा एरिया एनर्जी के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर रहेगी। हमारी कंट्री की काफी ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंसी इस पर्टिकुलर एरिया में अगर शांति नहीं रह पाती है, तो सबसे ज्यादा फायदा इसराइल को होगा क्योंकि इसराइल जो है वो कहीं ना कहीं ईरान को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि इसराइल के अंदर जो पैलेस्टीन वाला मुद्दा है उसमें ईरान जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, तो इसके वजह जो इसराइल है वो काफी ज्यादा दुखी रहता है। इसी के साथ में हमारी कंट्री के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इसका अगर यूएसए और ईरान के रिलेशन जो है वो बेकार हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी के पॉइंट ऑफ से ईरान हमको काफी अच्छे तरीके से सस्ता तेल प्रोवाइड कराता है, तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात यहां पर हो जाती है। और आने वाले टाइम में चाइना के लिए काफी ज्यादा फायदा हो रहा है यहां पर, क्योंकि चाइना ऑलरेडी लगभग 400 बिलियन की डील यहां पर इसके साथ में साइन की थी अभी, और इसको काफी सस्ता तेल भी मिल रहा है चाइना को। चाइना सैंक्शन नहीं मान रहा है यहां पर यूएसए का, और सारी कंट्री यूएसए के सैंक्शन की वजह से डरी घूम रही है, जिसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो देखते हैं क्या कंडीशन सुधरती है और क्या सिचुएशन बनती है, अभी फिलहाल ये मुद्दा है। बाकी ईरान की जो करेंसी है यहां पर ईरानियन रियाल है और तेहरान यहां पर इसकी कैपिटल हो गई। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने यहां पर आज डिस्कस किया है। बाकी कई सारे लोगों के द्वारा यहां पर बोला गया था कि सर जो पीआईबी वाली वीडियो है वो आप जो है यहां पर 4 बजे लेकर आओ, कई सारे लोगों के द्वारा बोला गया 10 बजे लेकर आओ, पर लेकिन जो मेजोरिटी है वो 10 बजे वालों की है, पर लेकिन जो टेलीग्राम पर मैंने यहां पर डाला था इसमें जो मेजोरिटी है वो भी यहां पर 10 बजे वालों की है, पर लेकिन ज्यादा डिफरेंस आप लोगों यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। कमेंट में यहां पर कई सारे देखने को मिले, कई सौ कमेंट यहां पर जो बाद में आए, कोई फेसबुक पर, कुछ यहां पर टेलीग्राम पर अलग अलग जगह कमेंट किए गए, तो कई सारे बच्चे बोल रहे कि सर अगर 4 बजे आती है तो यहां पर 10 बजे वालों के लिए तो वैसे ही फायदा है क्योंकि उनको मिल गई, 5 बजे वालों के लिए फायदा है और 7 बजे वालों के लिए फायदा है, और 4 बजे खासकर वो लोग जो जॉब करते हैं वो लोग काफी ज्यादा यहां पर इसके ऊपर फोकस दे रहे हैं कि सर 4 बजे इसको लेकर आओ, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको देखना छोड़ दिया क्योंकि इसका टाइम जो था वो बेसिकली चेंज होता जा रहा था। अगर किसी को मॉर्निंग में उठने की आदत डालनी है तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सबसे पहले हम लोगों ने 4 बजे स्टार्ट की थी अपनी नैनो मैगजीन, ठीक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कई सारे बच्चे चाहते हैं कि सर 4 बजे आएगी तो हम लोग उसको उठकर देख पाएंगे, ठीक है। तो जब तक आप लोग यहां पर देखिए तब तक जो चीजें हैं, अगर इसको उसको डाल के देखते हैं 4 बजे आप लोगों का रेस्पॉन्स कैसा है, अगर 4 बजे इसको डाल के देखते हैं 1 महीने तक, अगर 4 बजे आप लोग प्रॉपर वे में उठ पाते हैं तो सही है, जो रियलिटी में चाहते हैं 4 बजे लेकर आने का, मुझे वो 4 बजे मॉर्निंग में फिर चाहिए भी, ऐसा नहीं है कि 4 बजे बोलकर आप लोग वहां से गायब हो जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी यहां पर इसके लिए काफी कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो 4 बजे अगर बोल रहा हूं तो 4 बजे फिर उठना है आप लोगों को, यस या फिर नो, जो यस बोल रहे हैं वो यहां पर जरूर उठेगा, और जिसको 10 बजे देखनी है 4 बजे अगर आ जाएगी तो आप लोग अपने टाइम टेबल में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, 10 बजे आप लोग इसको देख ही सकते हैं, और जिनको 5 बजे देखनी है 7 बजे देखनी है वो अपने शेड्यूल के हिसाब से इसको देख लीजिएगा, पर लेकिन 4 बजे जो उठना चाहते हैं वो मुझे वहां चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, ठीक है, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये कि मैं एफर्ट डाल रहा हूं तो फिर आप लोगों को भी यहां पर शांति में नहीं रहने दूंगा, ठीक है, आप लोगों को भी उठना है, आप लोग भी अपना दिन शानदार तरीके से स्टार्ट करना है मेरे साथ में, आप लोगों को भी अपनी एक्सरसाइज वगैरह करनी है, अपना ध्यान रखिएगा, और मॉर्निंग की जो पढ़ाई होती है वो सबसे बेस्ट होती है क्योंकि पूरा दिन बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है आप लोगों का, शाम तक आते आते पता नहीं दुनिया भर का कचरा दिमाग में भर जाता है, कभी कुछ सुन रहे हो, कोई कुछ कह रहा है, किसी की कहीं से कुछ आवाज आ रही है, वो सब चीजें देखने को मिलती है। तो मॉर्निंग में उठिए और अपने दिन को अच्छे से स्टार्ट कीजिए। तो बाकी और सजेशन कुछ देना हो तो आप लोग सजेशन जरूर दीजिएगा। ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया है। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया आप लोग, देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले यहां पर एक कोटेशन थी, उसके बाद में ये आप लोग इसके बारे में जरूर अपना सजेशन दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर ओवरव्यू दिया, ओवरव्यू में एक कार्टून भी देखा था, बाकी काफी कुछ हम लोगों ने शानदार तरीके से डिस्कस किया, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम लोग यहां पर गए, ये फार्म बिल के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने रखी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में
कंप्लीट क्लैरिटी इसको लेकर आई हुई, क्वेश्चन भी दिया था, क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पर और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखी, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है वो सब जाना, कुछ इंपोर्टेंट चीजें से स्लाइड है, ठीक है, तो मुझे लगा ये स्लाइड डाल देनी चाहिए। ये है यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, तो कुछ ऐसी स्लाइड आप लोग को पीपीटी में देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो पीपीटी आप लोग जरूर डाउनलोड किया कीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कुछ समझा, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ईरान के बारे में जो मुद्दा था वो जाना डिटेल में मैप के साथ में। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर यहां तक आप लोगों ने लेक्चर देख लिया तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा, ठीक है, बताइएगा जरूर कैसा रहा लेक्चर। इसी के साथ में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताइएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।